खास खबर, फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग। नागपुर जिला पथ विक्रेता संघ ने मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा। नागपुर जिला पथ विक्रेता संघ के शिष्टमंडल ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए शहर के फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को गैर कानूनी ठहराते हुए उसे रोकने की मांग की। शिष्टमंडल के नेता जम्मू आनंद ने आयुक्त को बताया कि फुटपाथ दुकानदारों के लिए उपजीविका संरक्षण व पथ विक्रय अधिनियम 2014, उपजीविका संरक्षण व पथ विक्रय अधिनियम नियम 2016 को अभी तक लागू नहीं किया गया, जिसके चलते फुटपाथ दुकानदारों अपने अधिकारों से वंचित है। कानून की धारा 38 के अनुसार राज्य सरकार इसके लिए योजना का प्रारूप तैयार करेगी, जिसमें अनुसूची में सुझाए मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इसी तरह कई दूसरी कानून उपायों का हवाला भी इस दौरान देते हुए मनपा की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए इसे तुरंत रोकने के साथ अन्य 10 मांगों का ज्ञापन आयुक्त को सौंपा गया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।